जब वेंकटेश को सम्मानित किया जा रहा था तो एक और दिलचस्प वाक्य घटा। वेंकटेश तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे और सारी निगाहें उन्हीं पर टिकी थी। वेंकटेश स्टेज के करीब पहुंचे तो राष्ट्रपति कोविंद ने गौर किया कि छोटा कद होने की वजह से उन दोनों के बीच फासला ज्यादा है। ऐसे हालात में उन्होंने वेंकटेश से सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने के लिए कहा ताकि वो दोनों एक ही सतह पर आ सकें। इसके बाद वेंकटेश की कोविंद भी नीचे उतरे और फिर उन्हें सम्मान दिया गया। जब ये वाक्य हुआ तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में बज रही तालियों की गूंज लगातार बढ़ती गई। KY वेंकटेश कर्नाटक से आने वाले पैरा एथलीट हैं और खेलों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। उनका कद 4 फुट और 2 इंच है। साल 2005 में चौथे वर्ल्ड ड्वार्फ गेम में 6 मेडल जीतकर उन्होंने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया था। वो पहले भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने गेम्स में भारत की नुमाइंदगी की। उन्होंने एथलेटिक्स और बैडमिंटन इवेंट्स में पदक जीते थे। हालांकि एथलेटिक्स में उनका करियर काफी पहले शुरू हो गया था। साल 1994 में उन्होंने पहले अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी जर्मनी के शहर बर्लिन में की। अब वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कर्नाटक पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव का पद संभाल रहे हैं। खेलों को लेकर KY वेंकटेश का जुनून देखते ही बनता है। बोन ग्रोथ डिसऑर्डर की वजह से उनका कद सामान्य नहीं हो पाया, लेकिन इसके बावजूद छोटे कद को उन्होंने अपने कामयाबी के रास्ते में कभी नहीं आने दिया। साल 2012 में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा साल 2009 वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स में उन्होंने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल, जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल और बैडमिंटन सिंगल और डबल इवेंट में भी मेडल अपने नाम किए। भारत सरकार ने 26 जनवरी 2021 को उन्हें देश का 4th सबसे बड़ा नागरिक सम्मान